नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज के बारे में, जिसके चलते हुए आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी भी मिलेगा, साथ ही साथ कभी भी आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है वो भी यहाँ पे आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंस न्यूज आज के दिन आ चुके हैं, वो है पीएफसी के ऊपर, मतलब पावर फाइनेंस कंपनी के ऊपर। अगर मैं इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको कुछ गिरावट का माहौल दिखेगा, और आपको 1 मंथ में दिखा दूँ तो ऑब्वियसली 8% का रिटर्न दे दिया। 6 मंथ में कंपनी 51% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं, अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया है। 1 साल में 40% का, 5 साल में 80% का, और मैक्सिमम में 190% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। देखिए इस कंपनी में खासियत क्या है आप जानते हैं? आपको लग रहा है कंपनी बहुत छोटा है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 42,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी में जो वोलेटिलिटी है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंपनी, सबसे पहले बता दूं, एक पीएसयू कंपनी है, मतलब प्राइवेट मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते इस कंपनी में हमेशा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो पिछले दिन में इस तरीके से तेजी क्यों आया था, और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का सही में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले न्यूज देख लीजिए। तो कंपनी क्या है? कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ध्यान रखना पीएफसी एक पावर फाइनेंस कंपनी है। जो देखा जाए तो फाइनेंस, जितने सारे पावर सेक्टर कंपनी है, उस सारे सेक्टर का एक इस कंपनी क्या है, फाइनेंस कंपनी है। मतलब आप किसी भी पावर सेक्टर को और लोन लेना है और वो इसी सेक्टर के माध्यम से वो लोन ले सकते हैं, और उसको पूरा फाइनेंस का डेटा इसके पास रहेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उस कंपनी से पीएफसी को मिलेगा। तो पीएफसी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, तो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट जो हुआ है। तो INC 42 के ऊपर यहाँ पे क्या बताया गया है, इस न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया ₹633 करोड़ लोन प्लान टू, यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूएल ब्लू स्टार्ट्स ईवी, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, पावर फाइनेंस कंपनी 633 करोड़ का लोन यहाँ पे प्लान कर चुके हैं, और वो लोन किस लिए बांटेंगे, लोन किस लिए देंगे, वो लोन देंगे ईवीज के लिए। ईवीज के जो पावर सेक्टर है, जिसके लिए पावर का जरूरत होता है, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है पीएफसी अप्रूव द लोन टू, यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग फॉर द प्रो मतलब प्रिक्यूशन सॉरी प्रिक्यूरिंग 5,000 पैसेंजर्स ईवीज एंड 1,000 कार्गो ईवीज टू बी रन अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में ये जो इतनी ज्यादा ईवीज की गाड़ियां चलते हैं, इसके लिए पावर स्टेशन मतलब पावर चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी क्या कर रहे हैं, 633 करोड़ का टोटल यहाँ पे लोन अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसके लिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। क्योंकि आप कहेंगे सर वो तो लोन दे रहा है, इसमें कंपनी का तेजी होने का क्या जरूरत है? देखिए लोन वो देंगे तभी ना उसको फायदा मिलेगा, फाइनेंस कंपनी को कहाँ से फायदा मिलेगा? जितना वो लोन बांटेंगे उतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उस हिसाब से उसका फायदा होगा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो रही बात पीएफसी के बारे में, तो पीएफसी के चार्ट पैटर्न तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक ही रेंज के ऊपर हमेशा ट्रेड होता रहता है। तो फिर भी इस कंपनी में धमाका जो परफॉर्मेंस देता है वो है आपको डिविडेंड। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देता है, कंपनी के वैल्यूएशन सबसे सस्ते में मिलेगा। अगर आपको, आप कहेंगे सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जिस कंपनी के ऊपर में हर साल अच्छा खासा एक डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न मुझे मिलेगा, और कंपनी मुझे लॉसेस भी नहीं देगा, और कंपनी मुझे छोटा मोटा रिटर्न भी देंगे साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा देंगे, तो वो कंपनी के लिए मैं जरूर कहूंगा पीएफसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 7.5% के आसपास डिविडेंड है। मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो आपको इस कंपनी हर साल में 7,400 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है। तो आप उस हिसाब से निवेश करिए जो आपका साल का खर्चा है, तो उस हिसाब से यहाँ से आपको खर्चा भी यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी
के साथ साथ आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। कंपनी आपको ऐसे वैसे रिटर्न नहीं दिया, 5 साल में 14%, 3 साल में 21%, 1 साल में 40% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। अगर मैं लॉन्ग जर्नी के लिए देखूँ तो 10% भी 5%, तो सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखेंगे तो आपको 5% के आसपास रिटर्न मिलता है, मगर एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता। उल्टा आपका SMS चार्जेस, ATM चार्जेस और बैंकिंग के जितने सारे चार्जेस है वो लगाकर आपका खुद का पैसा कट जाते हैं। तो जो 5% का सेविंग अकाउंट में चार्जेस मिलता है उससे ज़्यादा पैसा आपको चला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से काम करिएगा। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है डिविडेंड के हिसाब से। तो इसलिए देखिए, आप सिर्फ आप नहीं, इन्वेस्टर जैसे FISDS भी इस कंपनी के ऊपर खुद का स्टेक यहाँ पे देखिए बढ़ा चुके हैं। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल, यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। देखिए अदानी के हालत आप सभी जानते हैं, बिगड़ते गए थे और उसको फिर से वो हैंडल किया, फिर से वो रिकवर करने का कोशिश किया। 6 मंथ में 16% तक लॉसेस दिखा रहा है, अगर 1 साल की चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो 22% का लॉस, 5 साल में पॉजिटिव और मैक्सिमम में दिखा दूँ तो 260% का रिटर्न। तो देखिए मुझे इस अदानी पोर्ट्स जो कंपनी है इसके ऊपर मैं खुद ट्रस्ट भी करता हूँ, क्योंकि इंडिया के पॉपुलर और नंबर 1 पोर्ट ट्रस्ट कंपनी है जो सबसे ज़्यादा पोर्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। कंपनी छोटा मोटा कंपनी है, 1,40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। देखिए आज 1,40,000 है, कंपनी में इतना बड़ा गिरावट हुआ था इसीलिए 1,40,000 हो गया, नहीं तो 1,50,000 करोड़ के ऊपर भी इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला था। इस कंपनी के ऊपर में एक चीज़ में मुझे हमेशा अच्छा लगता है, कंपनी का जो डेप्थ बाकी कंपनी में देखने को मिलता है यहाँ पे उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। और साथ ही साथ कंपनी का PER भी आप देखेंगे तो 28% के आसपास है। इसका मतलब PER भी जो हाई वैल्यूएशन में था वो वैल्यूएशन का कंपनी कंट्रोल किया, स्टॉक में गिरावट के कारण वैल्यूएशन भी कंट्रोल में आया, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए आपको जरूर कहूंगा। तो कंपनी के ऊपर अनाउंसमेंट क्या है सबसे पहले बता दूं, इसके इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर, प्रोमोटर के पास कितना 63% होल्डिंग था, बीच में 65 हो चुके थे, फिर से 61 हो गया। और उसका फायदा किसने उठाया, देखिए आप सोच रहे हैं कि मतलब अदानी गिर रहा है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसी टाइम में देखिए प्रोमोटर के साथ साथ FIS ने माल उठा लिया, क्योंकि इसी का तो फायदा लूटते हैं। देखिए वो लोग इसी का ही इंतजार करते हैं, जब कोई अच्छी कंपनी सस्ते में मिले तो उसके ऊपर टूट पड़ना। ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात राकेश झुंझुनवाला जी ने, ये बात वॉरेन बफेट जी ने कहा है। तो उन्होंने खुद कहा कि जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहा है तो उसके ऊपर टूट पड़ना, तो आपको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो चेक कर लीजिए कि वो सही में अच्छे कंपनी है कि नहीं, तो आप तो हर कोई कंपनी के ऊपर टूट पड़ते हैं जिसके लिए आपको लॉसेस भी होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी के अगर हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है, चाहे वो कुछ न्यूज के बेसिस में गिरावट हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो फिर से खड़ा हो पाएंगे। इस कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहले बता दूं प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो होल्डिंग यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रोमोटर ने एक अनाउंसमेंट में किया कितना 130 मिलियन जो इसका डेट सिक्योरिटी है वो बायबैक प्रोग्राम यहाँ पे करने वाला है। इसका मतलब अदानी पोर्ट ऑब्वियसली जो डेप्थ है उसको कम करेंगे, उसके साथ कंपनी क्या करने वाला है, बायबैक प्रोग्राम भी कर रहा है, मतलब कंपनी बायबैक भी ले आने वाला है। तो बायबैक अगर आएगा तो कंपनी का प्रोमोटर बायबैक के माध्यम से शेयर खरीदारी करेंगे, तो ऑब्वियसली एक गुड न्यूज होगा। तो इस गुड न्यूज के चलते हुए मुझे लगता है कुछ दिनों से स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि देखिए कंपनी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बायबैक प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली बायबैक प्रोग्राम के माध्यम से कंपनी अगर बायबैक लेके आते हैं तो कंपनी ज्यादा प्राइस में आपका शेयर खरीदारी करेंगे, तो आपका शेयर देखिए यहाँ पे वोटिंग किया जाता है, जहाँ पे आपको लॉटरी लग गया तो आप ज़्यादा प्राइस में शेयर को बेच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए बायबैक के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके रखे हैं तो वो लोग बायबैक के लिए जरूर अप्लाई करिए, अगर आपको बायबैक मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा अदानी मतलब अदानी पोर्ट्स के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी 200 डेज EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से एक शूटिंग स्टार जैसे सॉरी एक हैमर जैसे कैंडल बना है, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम जितना भी हो इस रेंज बहुत स्ट्रांग होगा, तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा तभी वो अपर साइड में जा सकते हैं। तो अदानी पोर्ट्स के ऊपर फोकस रखिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक है, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, तो करीबन
19% का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, सॉरी 1900%, 19,000 नहीं, तो 1900% का टोटल डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.13% के आसपास है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा खासा देते हैं, और हर पैरामीटर के हिसाब से इंडिया के सबसे नंबर वन बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड देंगे, और इस बार जो डिविडेंड है वो मई 16 मई में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर साल में मई मंथ जून मंथ में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करता है। पिछले बार 15% के आसपास डिविडेंड दिया था, इसका मतलब 1550 के आसपास परसेंटेज का डिविडेंड मिला था। इस बार कंपनी का डिविडेंड है 1900% का। आप कहेंगे सर 1900% इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? देखिए इस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, उस हिसाब से इसको इस डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो आपको कौन सा कंपनी अच्छा लगे, आपके पास कौन सा कंपनी का हिस्सेदारी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है, मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ जानने को सीखने को मिला, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।